ये तो बुलबुल कतरन्नम बिना हो चमने दहरे में कलियों का तबस्सुम बिना हो ये नशा की में तौहीद बिना हो तुम बिना हो खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है नब्ज़ हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है कि मोहम्मद से तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं उन्हें जाना उन्हें ना रखा गैर से काम लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिक अल मुनीर लकद नुबिर अल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग दोई किस्सा मुख्तसर हज़ार बार बिशोयम दहन जी मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस नमाज अच्छी ज़कात अच्छी रोज़ा हज अच्छा लेकिन बावजूद इन सब के मैं मुसलमा हो नहीं सकता ना जब तक कट मरूँ ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता तमाम तरीफा हमदा सनावा अल्लाह जल्ला मजदू वास्ते जरा कायनात दा खालिक और मालिक है वाहदा उला शरीक है कोई ओदी जातो सिफात दे अंदर ओदा शरीक नहीं पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मोहताज है अल्लाह रब्बुल आलमीन दी सोनी जात किसे दी मोहताज नहीं दुरूद ला महदूद बेहद बेहिसाब बेगिनत बेशुमार आका दो जहां नय्यर ताबा ख्वाजा कायनात जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दे दरबार गुहरेबार दे अंदर अदब दे नाल आजियो इनकिसारी दे नाल गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने तो बाद आयदा मौजू सुखन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बरगुजीदा प्यारे बंदियां दी निशानियां कुरान दे विचों इंशाल्लाह बयान कीतियां जाणगियां और सैयदना जनाब शेख अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी तालीमात दी रोशनी दे अंदर वली दियां जड़ियां निशानियां सरकार गौसे पाक ने बयान फरमाइयां तालीमात दे औलिया दे मुताबिक अल्लाह दे वली दियां केड़ियां निशानियां होनी चाहीदियां ने
इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान हदीस तो बयान करांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारिआं नू हक सच सुन सुना के अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। ग्रामी कदर अज चूंकि हर बंदा सिराते मुस्तकीम की तलाश के विच रफ्ता रफ्ता फिरदा है, उस बंदे की कोशिश होंदी है कि मैनू सिराते मुस्तकीम मिल जाए, मैं उस सिराते मुस्तकीम से चल के अपनी जिंदगी बेहतर तो बेहतर कर सकां। और कई दफ़ा बंदे का जज्बा सादिक होंदा है, जज्बा पक्का होंदा है, जज्बे के अंदर कोई कमी नहीं होंदी, लेकिन वो मिस गाइड हो जाता है। वो बंदे नू गाइड करन दा करन वाला बंदा जिहड़ा वे वह गलत गाइड कर दिंदा है। तो बंदा जदों करीब जाके वेखदा है कि इहदे अंदर तो वह चीज़ा पाइया नहीं जांदियां, वह इस्लाम तो वो अल्लाह वालियां तो दूर हो जाता है। हालांकि अल्लाह वालियां दियां जिहड़ियां निशानियां अल्लाह ने कुरान च बयान कीतियां ने या मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस तय्यबा के अंदर बयान फरमा दित्तियां ने, उन्होंने अंदर कोई रत्ती बराबर भी शक शुबा नहीं। लेकिन अगर कायल करने वाला बंदा अगर सही कायल ना कर सके या बंदा जिहड़ा सिराते मुस्तकीम की तलाश के विच वो किसी गलत जगह पर जाके डेरे ला लवे तो बाद विचों बदज़न हो के आखे जी इस अकीदे के अंदर तो बिल्कुल खैर नहीं है, अकीदा ही गलत है, उस बंदे की सोच गलत हो सकती है। लेकिन साडा ईमान ते अकीदा है कि अल्लाह का कुरान भी जिंदाबाद है, मुहम्मद मुस्तफा का फरमान भी जिंदाबाद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कभी भी गलत नहीं हो सकता। साडियां सोचां के अंदर गलती आ सकती है, साडे फहम के अंदर गलती आ सकती है, साडे समझण के अंदर कोई कमी पेशी हो सकती है, लेकिन कभी भी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन के अंदर कमी पेशी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कह देना और मेरे करीम आका दा कोई चीज़ बयान फरमा देना उसके मुकाबले के अंदर कोई बंदा कहे कि सूरज मशरक की बजाय मगरिब च तलू हो सकता है असा यकीन कर सकने हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान गलत हो सकता है असा कभी भी तस्लीम नहीं करांगे, क्योंकि मेरे मुस्तफा उन्नी देर तक कलाम करते ही नहीं सन जिन्नी देर तक मेरे रब की रजा शामिल नहीं सी हो जाती। वमा को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा, अल्लाह फरमाउंदा प्यारे हबीब तुसा उन्नी देर तक कलाम करते ही नहीं हो जिन्नी देर तक ताड़े कलाम के अंदर अल्लाह की मशीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा शामिल ना हो जाए। जो मेरे मुस्तफा का बोलना रब की रजा तो बगैर होता ही नहीं, तो फिर मेरे मुस्तफा ने जो बयान कर दिता है अल्लाह की इज्जत की कसम है और रोजे रोशन की तरह आया वे मेरे मुस्तफा के फरामीन के उत्ते जिहड़ा बंदा ईमान रखेगा अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर देगा आखरत भी बेहतर फरमा देवेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अपने खास बंदियां दी निशानियां बयान फरमाइया। अल्लाह फरमाउंदा वाई बादुर रहमान जेड़े अल्लाह के बंदे ने, जेड़े अल्लाह के बंदे रहमान के बंदे ने, अल्लाह फरमाउंदा अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, फरमाया जेड़े रहमान के बंदे ने वो जदों भी जमीन ते चलते ने ते फरमाया जमीन ते आहिस्ता दे नाल चलते ने, जमीन के उत्ते तकब्बुराना चाल उन्हां दी नहीं हुंदी, जमीन के उत्ते जदों भी चलते ने आहिस्तगी दे नाल चलते ने। या अल्लाह केड़े बंदे, फरमाया जेड़े रहमान दे बंदे ने, जेड़े मेरे खालिस अल्लाह दी जात दे बंदे ने, वो जदों भी जमीन ते चलणगे अल्लाह ने पहली निशानी उन्हां दी बयान फरमाई, फरमाया जदों जमीन ते चलते ने आहिस्ता दे नाल चलते ने कि या अल्लाह ये जमीन भी तेरी है, असा इहदे उत्ते इंज चलने आ जिवें इक फुल्ला नूं जमीन ते रख दिता जाए ते जमीन नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। अल्लाह दे जिहड़े नेक बंदे ने जमीन ते जदों भी चलणगे तकब्बुराना चाल नहीं होवेगी, बल्कि उन्हां दी चाल वेख के बंदा समझ जाएगा ये जरूर मुहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। वाई बादुर रहमान, फरमाया जिहड़े रहमान दे बंदे ने, जिहड़े अल्लाह जिन्होंने अपना बंदा कवे उन्हां दी शान कितनी कि बुलंद होवेगी। अज कोई दुनियादार वजीर आजम किसी को कह देवे
कि फलाने इलाके च मेरा बंदा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा ताल्लुक वाला है। वह बंदा दुनिया के सामने जनाब फुलिया नहीं समाता, दुनिया के सामने वह फखर करता है कि मेरे वजीर आजम के नाल तालुकात ने, मेरे एम एन ए के नाल तालुकात ने। लेकिन जिन्होंने रब फरमा दे कि ये मेरे खालिस बंदे ने, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उन्होंने मकाम से मरतबा कितना को बुलंद होगा। जिन्होंने कायनात के जितने भी बादशाह ने उन्होंने बादशाह कह रहा हो, लोगों किसी दुनियादारा के बंदे नहीं, ये बल्कि रहमान के बंदे ने। तो जो रहमान के बंदे अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, और जिधर भी अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं, मेरा मालिक उन्होंने दुआवा रद्द नहीं करता, बल्कि रब उन्होंने दुआवा कबूल फरमा लेता है। फरमाया अल्लज़ीन यमशून अलल अर्दी हौना, रहमान के बंदे की सब ना पहले निशानी ये वे, वो जमीन से जदों भी चलते ने आहिस्ता चलते ने, जमीन से जदों भी चलते ने आहिस्ता चलते, तकबुराना चाल नहीं चलते। लेकिन एक मकाम वो भी आता है कि जिते मेरे आका की इज्जत की बात आ जाए, उस वक्त हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जो अगर कोई मुतकब्बिर अगो आता हो ना, तकब्बुर करने वाला अगो आता होनू झुक के सलाम करना कोई आजजी तो इनकसारी नहीं। अगर कोई तकब्बुर करने वाला है वो सामने उस तरह डट के जैसे अगर वह सीना तान के चलता पिया है, तो है तकब्बुराना चाल अल्लाह की खिलाफ वर्जी करद इस्लाम की सरबुलंदी वास्ते नहीं, बल्कि इस्लाम वालियां नूं झुकाण वास्ते। अगर कोई काफर तकब्बुर की चाल चल के, कोई दुश्मन तकब्बुर की चाल चल के आवे, तो फरमाया ओदे सामने झुक के नहीं मिलना, बल्कि ओदे सामने तुसां भी तकब्बुर दे नाल जदों सीना तान के खलोवोगे, उन्हों पता चल जाएगा कि मैं रहमान का दुश्मन होके अगर तकब्बुर किया है, तो इन्हें मेरी इज्जत करके इन्हें मेरे तकब्बुर की इजाफा नहीं किया, बल्कि उन्हों इस चीज से मजबूर कर दिता जाए कि तू अगर अल्लाह का दुश्मन हो के तकब्बुर पिया करना है, असा तेन झुक के सलाम नहीं करांगे, असा झुकना है तो फकत मुहम्मद मुस्तफा के दर से झुकन वाले। शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अगर कोई बंदा तकब्बुर करने वाला होवे, दीन का दुश्मन होवे, तो तकब्बुर करे, तो फरमाया उसके सामने झोंके नहीं मिलना। अगर झोंके मिलोगे उसके तकब्बुर से इजाफा होएगा, वो कहेगा यार वाकई मैं कोई काबिले जिक्र चीज़ हाँ, वाकई मेरी बड़ी इज्जत शान है। फरमाया जो जहा बंदा होवे उसके सामने अगर वो तकब्बुर की चाल चलता है, उसके सामने झुकना जायज नहीं। ऐ बंदा है खुदा, जदों भी झुकना है फकत अल्लाह की जात के सामने झुकना है, या जेड़े अल्लाह दे सामने झुकन वाले ने उन्होंने एहतराम करना तेरा काम है। अल्लाह तेन दुनिया च भी इज्जत अदा करेगा और कबर हशर च भी अल्लाह तेन इज्जत अदा कर देगा। बबला कब सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी इधरा तवज्जो फरमाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमा दिता, सूरह फुरकान दी आयतें पिया पढ़ना, अल्लाह फरमांदा वाइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। अल्लाह फरमांदा है कायनात वाले हो, अगर मेरे खालिस बंदियां दिया निशानियां समझना चाहते हो, अज हर कोई बंदा कहता है पता नहीं चलता अल्लाह दे नेक वली कौन ने, पता नहीं चलता अल्लाह दे नेक बंदे केड़े ने, सानू ते कोई निशानी कोई नहीं, साढ़े कोल मारिफत कोई नहीं। लेकिन अल्लाह का कुरान फरमांदा है कायनात वाले हो, अगर निशानियां देखना चाहते हो, अल्लाह दे खास बंदियां दिया निशानियां वो केड़ियां अलामतां ने, वो केड़ियां निशानियां ने जिहड़ियां उन्हां दे अंदर पाईयां जांदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है वाइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, फरमाया अल्लाह दे खास बंदियां दी सब नालों पहले निशानी है वे, वो जदों भी जमीन ते चलदे ने बड़ी आहिस्ते
बंदगी दे नाल चलदे ने ओ तकब्बुर नहीं करदे क्योंकि तकब्बुर अजाजील राखार कर बजिंदा ने लालत गिरफ्तार कर तकब्बुर शैतान ने कीता है अल्लाह ने लानती बना दिता लेकिन जेड़े रहमान दे बंदे ने ओ तकब्बुर नहीं करदे ओ जदों भी चलदे ने आहिस्ता चलदे ने लेकिन एक जिम्मेदारी ना अगल अर्ज करदा जावा लेकिन जो मेरे आका दी इज्जत दी बात आ जाए आका दी नमूस दी बात आ जाए उस वक्त झुकना ए अल्लाह दे बंदियां दी निशानी नहीं मेरे करीम आका अलैहि सलाम दी शरीयत अल्लाह दा कुरान कहंदा है रहमान दे ओ बंदे ने जेड़े जमीन ते आहिस्ता चलदे ने लेकिन अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मेरे आका दे सहाबा हिजरत करके जो मदीने तशरीफ लेके गए मदीने दी सरजमीन ते गए मेरे आका करीम दे सहाबा मदीने च जलवा फरोज ने एक मर्तबा मेरे आका इरादा कीता फरमाया अल्लाह दे घर खाना काबा दी जियारत करिए बैतुल्ला दी जियारत वास्ते मेरे आका भी नाल ने आका दे जानसार भी नाल ने ओ अजीम शान काफला जो मक्के दी तरफ रवाना होया मदीने दी सरजमीन ते कदम रखिया मेरे आका दे सहाबा जारी तौर ते जिस्म कमजोर पै गए जारी तौर ते आका दे सहाबा दे जिस्म दे अंदर नकाहत कमजोरी महसूस होंदी है मक्के दे लोका ताना दिता उन्हें आख्या देखो मक्का छड़ के गए ने अज जनाब रोटी पानी नहीं लभदा अज खान पीन तो बिल्कुल जनाब आवाजार हो गए ने इन्हों पूरी रोटी नहीं मिलती इन्हों पानी नहीं मिलता इस वजह तो जिसम कमजोर ने अल्लाह का कुरान कहता है जिथे भी बंदा है खुदा दा है वह आजजी दे नाल चलता है लेकिन इतने शरीयत ने हुक्म बदला दिता मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे गुलामो जी या रसूल अल्लाह फरमाया सहाबा जो काबे का तवाफ करना है जो काबे के चक्कर लाने ने जो रमल करना है सहाबा अपनी नजरां झुका के नहीं करना सोने कैवें करना है फरमाया सीना काट के सीना चौड़ा करके इस काबे का तवाफ करना जे सीना चौड़ा करके काबे का तवाफ करना अल्लाह का कुरान कहता है कि रहमान के बंदे वो ने जड़े आहिस्ता नाल जमीन ते चलते ने तकब्बुरा नाल चाल नहीं चलते लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसर ने जो इस्लाम से हरफ आया मुसलमाना की इज्जत और नमूस से हरफ आया मेरे मुस्तफा ने कायदा बदल दिता फरमाया सहाबा उन काबे का तवाफ करना है तो इस तरह नजरा झुका के नहीं करना बल्कि पहले जड़े काबे के तीन चक्कर ने रमल करना है रमल बमाना सीना चौड़ा करके सहाबा काबे का तवाफ करया जे सहाबा ने अर्ज कीती कमली वाले आ ए अल्लाह दे घर दे विच ते आजजी दा इजहार करन दा हुक्म है लेकिन सोने आ तुसा फरमा रहे हो सीना चौड़ा करके चलना है फरमाया सहाबा मैनू पता है मैं की बयान करना जदों इस्लाम दी इज्जत हरफ आए लोग इस्लाम दे खिलाफ जबान दराजी करदे होण उदों तुहानू वेख के ए ना समझ ले यार कमजोर पै गए ने सहाबा सीना तान के इन्हों चाल चल के दिखा दो असा मर दे सकने आ ना इस्लाम के खिलाफ साडिया जबाना ते कभी कोई लफज आ सकता है ना मुहम्मद मुस्तफा के खिलाफ कोई लफज आ सकता है ये कोई चाल जड़ी आम रूटीन दे अंदर आम जमीन ते जड़ी चाल चली जांदी है हुक्म है अपनी नजरा झुका के चल लेकिन जो काबे दा तवाफ करन दी बात आई मेरे मुस्तफा दे सहाबा नूं ताना दिता गया कि मदीने जदों दे गए ने एक कमजोर पै गए ने इन्हां नूं रोटी नहीं मिलती इन्हां नूं अच्छा खाना नहीं नसीब हुंदा लेकिन सहाबा ने अर्ज की थी कमली वालिया असानू इन्हां तानियां दी कोई परवाह नहीं लेकिन मेरे मुस्त
मुस्तफा ने फरमाया फरमाया सहाबा एक गल ताड़ी इज्जती नहीं गल इस्लाम दी इज्जती है। फरमाया काबे दा जदा तवाफ करना है सीना चौड़ा करके चले आ जे अर्ज की कमली वाले वजह की है फरमाया इस्लाम दे दुश्मनानों पैगाम मिल जाए ए मुस्तफा के गुलाम ये फाका कश जो डरता नहीं मौत से रूहे मुहम्मदी इसके बदन से निकाल दो ये मर तो सकता है ये कट तो सकता है ये मिट तो सकता है लेकिन ये कभी भी ना इस्लाम के खिलाफ जबान खोल सकता है ना मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ कभी जबान खोल सकता है। अब एक शरीयत का हुक्म है वे कि अपने जनाब सीनिया नु कुशादा करके नहीं चौड़े होके चलन की इजाजत नहीं अल्लाह के घर में क्यों इजाजत दी गई जो आका की इज्जत की बात आ जाए आका की हुरमत की बात आ जाए जो इस्लाम की इज्जत की बात आ जाए फिर झुकना उस वक्त अदब नहीं होंदा जेड़ा इस्लाम का मुखालिफ होवे वक्त का जालिम हुक्मरान होवे उसके सामने झुक झुक के सलाम करना ये अदब ते एहतराम नहीं बल्कि हुक्मरान दे सामने मेरे मुस्तफा ने फरमाया जरा कलिमा हक बुलंद करेगा फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है कायनात के जितने भी जिहाद दियां किस्मा ने वो सारे जिहादा नालो अफजल ते आला जिहाद दे वे के बंदा सामने जालम दे खलोता होवे ते आखे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन जालम की हिमायत नहीं करेंगे अहरार कभी ये के रिवायत नहीं करेंगे। समझा रही है तो मेरे हाल में एक कबूल सुभान अल्लाह तकरीर के दौरान थले मुंह करके बहना एक तकरीर का शौक नहीं होंदा मुखातिब के नाल उसके नाल अखा जखा बाह के हुजूर का जिक्र सोना सुनाओ मबा ना कहो सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जड़ी चाल आम रूटीन च पसंद नहीं लेकिन इस्लाम की इज्जत वास्ते वही चाल चली जाए अल्लाह फरमाता मैनू पसंद है लेकिन वक्त गुजर गया इस्लाम गालिब आ गया जमाना फरूक आजम आ गया उम्र फरूक दे जितने भी सहाबा जान निसार अर्ज की जनाबे उमर एक गल तो दसो जनाबे उमर फरमाते ने पूछो की गल पूछना चाहते हो उन्हें आखिया इस्लाम गालिब आ चुका है हूँ जनाब काबे दा हूँ तवाफ कर दिया हूँ रमल ना करया करिए सीना कुशादा करके ना चलिया चलिए हूँ तो क्योंकि इस्लाम से गालिब आ चुके हैं हूँ केड़े काफर वेखते पे ने हूँ हुक्म खत्म कर देना चाहिए है जनाबे उमर फरमाते ने फरमाया ना ना ये जिन्नी देर तक इस्लाम की तारीख अलहमदुल्ला बाकी है दुनिया को पैगाम मिलता रहे ये नहीं कि काफर हूँ वेंदे नहीं पे तो हूँ सीना चौड़ा करके काबे का तवाफ ना करिए फरमाया अगर जे वो वक्त गुजर गया वे लेकिन आका दी जबान चो जड़े जुमले निकले ने और जुमले कभी भी वापस नहीं आ सकते असा क्यामत तक जो भी काबे का तवाफ करांगे नाले काबे का तवाफ करांगे नाले मुस्तफा दियां अदावां नूं जिंदा कर देवांगे। अज लोग आखदे ने जी अंगूठे चुमन ते गल हुंदी है ना कहते सन भी चलो मान लिया भी हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम नू नूरे मुस्तफा उन्होंने अंगूठिया के नज़र आया उन्हें चुम के अखा नू ला लिया तो ठीक उन्हें तो नूर नज़र आया लेकिन तानू केड़ा नूर नज़र आता है तुसा क्यों अंगूठे चुम के अखा नू लाउंदे हो मैं क्या मुल्ला एक तरीके इस्लाम पढ़ के वेख अज जो हज वास्ते जाना है जो हज ने अरकान अदा करने वास्ते जाना है वो तो रमी करना है शैतान नू कंकर मारना है आज दस ते सही ओते शैतान तेनू नजर आंदा है आखेगा नहीं नजर आंदा मैं क्या आसफा मरवा दी सही क्यों करना है क्या तेनू इस वक्त हजरत हाजरा दी तरह पानी दी जरूरत है आखेगा नहीं सिर्फ अल्लाह दी बंदी दी सुन्नत नू अदा करन वास्ते मैं सफा मरवा दी सही करना मैं जनाबे मल शैतान नू कंकरियां मारना मैं क्या तेनू शैतान नजर नहीं आंदा लेकिन तू कंकरियां मारता रहना वजह की है उन्हें आख्या भावे कोई शह नजर आवे या ना आवे सानू हुक्म है उन्होंने अदा जिंदा रखना है मैं क्या असा भी आदम दे फरमा बरदार पुत्र हाँ सानू हुक्म है नूरे मुस्तफा नजर आवे या ना आवे तुसा बाबे आदम दी सुन्नत नू जिंदा करते होया अंगूठे चुन के अखा ना लाया जे अल्लाह तारी अखा का नूर नहीं जाया होने देगा।
मेरे करीम आका ले सलात व सलाम दे गुलामो जिस वक्त सफा मरवा दी सही ओ जनाब हूँ तो मामला ही कोई नहीं हूँ क्यों भजन का हुक्म है दौड़न का क्यों हुक्म है फकत हजरत बीबी हाथ जला दी सुन्नत नु जिंदा रखने वास्ते जनाब ये सारे काम किए जाते हैं हजरत आदम की सुन्नत नु जिंदा रखने वास्ते कोई अंगूठे चुम के अखा नु ला ले मेरे मुस्तफा के गुलामो शेख हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते ने फरमाया अखा का नूर कभी भी जाया नहीं होगा जेड़िया अखा मुस्तफा के नुमन वाली होंदिया ने अपने अखा के नाल नूरे मुस्तफा की निस्बत हो जाए वह अखा कदी नबीनिया नहीं होंदिया बल्कि अल्लाह उन्होंने अंदर नूर आला नूर फरमा देता है। अल्लाह के रहमान के बंदियां की निशानी है वे के वह जमीन से जो चलते ने तो आहिस्ता चलते कैसे चलते ने आहिस्ता चलते ने लेकिन जो यह चाल इस्लाम की सर बुलंदी वास्ते हो फिर काबे का तवाब रमल की सूरत के अंदर आकाम बदल जाते ने फरमाया हूँ इस वक्त नजर झुका के नहीं बल्कि सीना चौड़ा करके काबे का तवाब करना है वजह वजह फकत और फकत है वे लोग ताने देंदे ने इस्लाम कमजोर हो गया फरमाया दुनिया नूं दस दियो इस्लाम कमजोर होने वास्ते नहीं आया बल्कि इस्लाम गालिब होने वास्ते आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर दूसरी निशानी बयान फरमाई अल्लाह फरमांदा रहमान दे बंदियां दी दूसरी निशानी है वे वैदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा फरमाया जो अल्लाह के जेड़े खास बंदे ने उन्होंने दूसरी निशानी है वे फरमाया जदों भी जहलां नाल मुखातिब होणगे फरमाया बहस नहीं करणगे तकरार नहीं करणगे उन्होंने नाल रूहदानी करके गुजर जाणगे आखणगे जा अल्लाह दे बंदिया असां तेरे नाल बहस नहीं करनी तेरे नाल तकरार नहीं करनी। तीसरी निशानी अल्लाह दे बलियां दी अल्लाह ने कुरान दे अंदर सूरह फुरकान दे अंदर बयान की थी फरमाया वल्लजीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व कियामा फरमाया अल्लाह दे वलियां दी तीसरी निशानी है वे फरमाया जो रात पै जांदी है जो रात दा वेला हुंदा है उस वक्त कदी सजदे करदे ने कदी कयाम करदे ने अपने रब नू राजी करदे ने उन्हां दीआं रातां कदी भी गफलत दे अंदर नहीं गुजरदियां उन्हां दीआं रातां जदों भी गुजरदियां ने अल्लाह दे कुरान नाल गुजरदियां ने अल्लाह दी बारगाह सजदे नाल गुजरदियां ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कयाम करदियां गुजरदियां ने। और जनाबे इमामे गजाली रहमतुल्लाह ताला फरमांदे ने जदों सजदा तैयबा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप जनाब दिन दे अंदर अपने बच्चों का खाना भी पकांदियां ने मौला कायनात दी खिदमत भी बजा लियांदियां ने लेकिन जदों रात दा वेला आउंदा है सजदा कायनात मुसल्ले ते बह जांदियां ने अल्लाह दा कुरान पढ़दियां ने फिर कयाम करदियां ने इत्थों तक हजरत बिलाल अजान देना शुरू हो जांदे ने इमामे गजाली लिखिया फरमाया सजदा तैयबा ताहिरा फातिमा तुज़हरा अल्लाह दी बारगाह जर्द करदियां ने मेरे सोनिया रब्बा कोई ते रात ऐसी बना दे जेरी तेरी बंदी रज के तेरी इबादत कर सके तेरिया रातां छोटियां ने मेरा सजदा पूरा नहीं होया। आओ दरे जहरा पर दामन को फैलाए हुए आओ दरे जहरा पर दामन को फैलाए हुए है ये नस्ल करीमों की लज पा
नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। ये सजदा तैनात ने जिन्हां दे सजदे हले मुकम्मल नहीं होंगे तो रब दियां रातां खत्म हो जांदियां ने। फरमाया रहमान दे बंदियां दी निशानी वे अल्लाह वालियां दी निशानी वे और रात भी सजूद दे अंदर गुजारते ने क्याम दे अंदर गुजारते ने। उन्हां दियां रातां जैवें भी गुजरदियां ने अल्लाह की फरमा बरदारी च गुजरदियां ने और जदों भी उन्हां दी जबान ते कोई जुमला आउंदा है या अल्लाह का कुरान आउंदा है या मुहम्मद मुस्तफा का फरमान राती कर जारी रोंदे नींद अखियां थी दोंदे फजरे ओ कोना गार कहावर सब थी नीवे होंदे और सवेरे लोकां दी नजरां च गुनाहगार नजर आंदे ने लेकिन पूरी रात अपने मालिक नू राजी करदियां गुजारदे ने। फरमाया लोगो इस गए गुजरे जमाने दे अंदर भी अल्लाह दे वलियां दियां निशानियां अगर ताड़ियां नजरां दे सामने होण गियां फिर कदी गुमराह नहीं होवोगे फिर कदी जाली बंदे दे हाथ दे विच जाके अपना हाथ नहीं देवोगे और अपना हाथ जो भी देना है वो दे हाथ विच दिया जे जिते एक हाथ विच अल्लाह का कुरान होवे दूसरे हाथ विच मुहम्मद का फरमान होवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर अगे फरमाया वल्लज़ीना यकूलूना रब्बा नशरिफ अन्ना अजाब जहन्नम इन्ना अजाब अन्ना अजाब जहन्नम इन्ना अजाब आकाना गरामा। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जिहड़े अल्लाह दे खास बंदे ने जिहड़े रहमान दे बंदियां दी निशानी है वे अल्लाह ने कुरान च बयान फरमाया फरमाया जिहड़े मेरे खालिस बंदे ने फिर मेरी पाक बारगाह च अपने हाथ बुलंद करके कहंदे ने रब्बाना इसरिफ अन्ना अजाब जहन्नम सोने रब्बा सानू जहन्नम दे अजाब तो बचा लई या अल्लाह सानू अजाबे जहन्नम तो दूर फरमा दे। अल्लाह दा जिहड़ा खास बंदा है कदी जहन्नम दा मजाक नहीं उड़ांदा। अज दे जनाब कलाम पढ़े जांदे ने और जिहड़े अकवाल बयान कीते जांदे ने कवाली करन वाले कवाल जदों कवाली बयान करदे ने अल्लाह दे उस जनाब बनाई हुई जहन्नम दा मजाक उड़ांदे ने जन्नत दा मजाक उड़ांदे ने। फरमाया ना ना हजरत इमाम गजाली ने लिखा फरमाया मकतूबा शरीफ के अंदर मुजद्दद अल्फे सानी ने लिखा फरमाया जहन्नम से इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो कि जहन्नम अल्लाह की मखजूब जगह है अल्लाह की गजब वाली जगह है और जन्नत अल्लाह से इसलिए मांगा करो कि अल्लाह की मंजूर नजर जगह है अल्लाह की वो नजर जिसके ऊपर अल्लाह राजी होता है उसे जन्नत अता फरमाता है और जिस पे रब नाराज होता है उसे जहन्नम में डाल देगा। फरमाया जहन्नम से बचने की दुआ इसलिए करना है कि अल्लाह की गजब की निगाह जहन्नम के ऊपर है और जन्नत इसलिए मांगा करो कि जन्नत के अंदर दाता अली हजवेरी भी उधर होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन भी उधर होंगे हिंदुल वली भी उधर होंगे मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी भी उधर होंगे और अल्लाह के जितने भी वली है वो तो जन्नत के अंदर होंगे और यहाँ तक कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा की प्यारी जात भी मदीने की सरजमीन से उठकर मेरे आका भी जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे और जिस जगह पे मोहम्मद मुस्तफा होंगे वो कायनात की सबसे अफजल और आला जगह है। अल्लाह का जो बंदा होता है वो जहन्नम का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगता है और जन्नत का इंतजार करता है जन्नत की तलब करता है क्योंकि जन्नत के अंदर अल्लाह के जितने भी पाकीज़ा बंदे हैं वो जन्नत के अंदर होंगे और जो उनका कुरब चाहता है वो जन्नत की रब से तलब किया करता है। मबना कहो यार सारे सुभान अल्लाह। आज अगर कोई अजाबे जहन्नम का कोई पीर होवे कोई फकीर होवे अगर जनाब वो जहन्नम का मजाक उड़ाए वो दुनिया का लानती तरीन इंसान है
कि जहन्नम के जिसकी पनाह मेरे मुस्तफा ने मांगी वो जन्नत का मजाक उड़ाए और कहे जन्नत मौलविया का काम है, सानू जन्नत ना कोई गर्ज नहीं। मैं आख्या फिर तू जावी जहन्नम दे विच अगर तेनू जन्नत ना नहीं गर्ज। इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने जन्नत को तलब किया है, जन्नत की दुआएं की है, मेरे आका दुआ करते रहे और अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते रहे, मेरे मालिक मेरे गुलामों को भी जन्नत अता फरमाना, मेरे गुलामों को जन्नत का दाखिला अता कर देना। अगर जन्नत कोई अपना चीज होती मेरे आका कभी ये ना कहते, फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, फरमाया दुनिया वालों वो कोई और नहीं है बल्कि वो मोहम्मद मुस्तफा है, वो मोहम्मद मुस्तफा है। आज जनाब जन्नत का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, रहमान के बंदों की ये शान नहीं है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यकूलूना रब्बा नसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नमा, जब वो अजाब जहन्नम को सुनते हैं अल्लाह के बंदों की ये निशानी है, जब वो अजाब जहन्नम का जिक्र किसी की जबान पे आता है उनकी रूहें कांप जाती है, उनकी रूहें कांप जाती है। यहाँ तक अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला हो आप जैसा वो इंसान जिसको दुआएं मांग मांग कर मेरे आका ने अल्लाह से लिया हो, जो दुआएं मुस्तफा बन के आया हो, जो मुरादे मुस्तफा बन के आया हो, जनाबे उमर एक तिनके को उठाते हैं, एक तिनका उठाकर अपनी नजरों के सामने करके जनाबे उमर कहते हैं काश के मैं एक ये तिनका होता, काश के मैं एक ये छोटा सा तिनका होता, मेरी माँ ने मुझे जन्म ना दिया होता। मैंने कहा क्या वजह है, फरमाया हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह का सामना करना पड़ेगा। जनाबे उमर जैसे बंदे ये लफ्ज कहते रहे और 14 सदियों के बाद कोई जाहिल पीर कोई जाहिल मुल्ला जन्नत का मजाक उड़ाते हुए कोई जबान पे लफ्ज लेके आए अल्लाह के खौफ से कहे, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वलियों को अल्लाह का खौफ होता है, दुनियादारों का खौफ नहीं। पर जब भी डरते हैं फकत अल्लाह से डरते हैं, और जाबिर के सामने जालिम के सामने कभी कलमा हक कहने से नहीं वो कतराते, जब भी बात होती है अल्लाह के कुरान से बात करते हैं या मोहम्मद मुस्तफा के फरमान से बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रहमान के बंदियों की एक निशानी ये भी है, ये कुरान पढ़ना सूरह फुरकान से, फरमाया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू, जेरे रहमान दे बंदे ने ना फरमाया फजूल खर्ची नहीं करते। बोलो बोलो यहो जी गल तो ना दे सुभान अल्लाह लगती है तो ना ही नारे लगते ना सानू पता है, लेकिन सलाह भी तो करनी है ना, हूँ असा भी शेर सुनाते नहीं तुसा भी सुनते रहो तो इंज काम तो नहीं ना है। जो सलाह की बात हो सीने चो कुरान सुन के क्या करो सुभान अल्लाह, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम पे कहो सुभान अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा। अल्लाह फरमान दा रहमान दे बंदियां दी एक निशानी है वे वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू, फरमाया रहमान दे बंदे जदों भी खर्च करते ने फजूल खर्ची नहीं करते, वलम यक्तुरू ना ही ज्यादा बुखल करते ने, या अल्लाह की करेंगे, फरमाया वकाना बैना ज़ालिका कवामा, ओ दरमियाना राह इख्तियार करते ने, अल्लाह दे राह च खर्च करना होवे फरमाया इतना भी खर्च ना किया जाए बंदा फिर किसे को सवाल करता रहे, बंदा किसे को साहिल बन जाए, फरमाया मियाना नबी दे नाल अल्लाह दी राह च भी खर्च करना है। अज जनाब शादी का सीजन होवे, अज खुशी का सीजन होवे, अज जनाब इंतहा की जाती है, फिर अगले महीने पता चलता है फलाने दे इतने पैसे देने रे, फलाने दे इतना कर्ज देना है, अल्लाह का कुरान कह जो अल्लाह दे राज खर्च करो उदो भी दरमियानी चाल चलो, अल्लाह भी राजी होवेगा, मोहम्मद मुस्तफा भी राजी होंगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली निशानी बयान फरमाई, फरमाया वल्लजीना ला यदउना मअल्लाही इलाहन आखर, जेडे रहमान दे बंदे ने वो अल्लाह तो इलावा किसे दी परस्तिश नहीं करदे, अल्लाह दी इबादत करदे ने, वो जदों भी कोई सवाल करदे ने अपने मालिक कोलों सवाल करदे ने, फरमाया अल्लाह तो इलावा किसे दे सामने अपनी पेशानी नहीं झुकांदे। अल्लाह फरमाया वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक, फरमाया कदी भी नजायज कतल नहीं करदे। अल्लाह दा कुरान कहंदा है रहमान दे बंदियां दी निशानी है वे ओ जदों भी कतल करनगे अल्लाह दे राह दे अंदर जिहाद दे विच करनगे या किसास दे बदले करनगे या कोई बंदा मुर्तद हो जाए ओनू कतल करनगे, नाजायज कतल नहीं करनगे। अगली निशानी फरमाया वला यज़मूना, जेड़ा अल्लाह दा प्यारा हुंदा है फरमाया ओ कदी भी जिना नहीं करेगा। जानी जेड़ा वे अल्लाह दा प्यारा, बोलो जानी अल्लाह दा प्यारा नहीं हो सकता। फरमाया अल्लाह दे वलियां दी निशानी है वे वला यज़नून, वो जिना करन वाला ना होवे। जिना सिर्फ ए नहीं कि बंदा जेड़ा फेले कभी करे ओ ही जिना वे, उलमा ने लिखा है आंख से किसी गैर महरम को देखना ये आंखों का जिना है, हाथ से गैर शरई हरकत करना ये हाथों का जिना है, बुराई की तरफ चल के जाना ये पाँव का जिना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो अल्लाह का वली होता है वो जिना से बचने वाला होता है। जिना करने वाला कभी भी रहमान का खालिस बंदा नहीं हो सकता। आज जो जिनके पास औरतें बगैर पर्दे के जाएं और बाप अपनी बेटी को कहे बेटी पर्दा उतार दे, पीर साहब से कैसा पर्दा, अपनी बीवी से कहे कि आप पर्दा उतार दे और पीरा को कादा पर्दा, ना ना अल्लाह का कुरान कहता है ऐ औरत जब भी तू किसी गैर महरम के पास जाए तेरे चेहरे पे कपड़ा होना चाहिए। औरत को हुक्म है अपना चेहरा ढांप के रखे, वो चाहे पीर के सामने हो चाहे फकीर के सामने हो वो किसी भी उस्ताद के सामने हो, औरत अपना चेहरा ढांप के रखे। और मर्द के लिए हुक्म है तुम अपनी नजरों को झुका के रखो, मर्द कुरान पे अमल कर ले औरत कुरान पे अमल कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम है ये दुनिया एक जन्नत का मुआशरा बन जाएगा। लेकिन वो कैसा गैरतमंद बाप है जो पीर के सामने अपनी बेटी को ले जाकर कहे पीरों से कोई पर्दा नहीं, बहन को भाई लेकर जाए कहे अपनी बहन से कहे अपना नकाब उतार दे, पीर से कोई पर्दा नहीं। ये कौन सा पीर है जो मुस्तफ़ा की शरीयत का तारिक हो, जो आका की शरीयत का मजाक उड़ाने वाला हो, वो कभी पीर नहीं हो सकता। क्यों कि गैर महरम के ऊपर जब पीर की नज़र पड़ेगी तो वो आँखें बुराई करेंगी, जब देखेगा बुराई हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह का वली होता है वो आंखों की हिफाजत भी करता है, वो हाथों की हिफाजत भी करता है, वो पांव की हिफाजत भी करता है, बल्कि जिस जगह पे शक पाया जाता हो वो शक वाली चीज को भी छोड़ दिया करता है। आज जरूरत पता है इन चीजों की है जिनको हम सुनना नहीं चाहते। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपके पास आई, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश्शैबानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी अभी दाढ़ी मुबारक नहीं निकली थी। उलमा ने लिखा है जो खूबसूरत बच्चा हो चाहे मर्द हो खूबसूरत हो वो भी एक फितने का गढ़ होता है, फितने की जगह होता है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश्शैबानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आजम अबू हनीफा जैसा उस्ताद हो उनके सामने आ जाते हैं, उस्ताद जी मैंने आपसे सबक पढ़ना है। एक नज़र चेहरे पर देखी, इमाम मोहम्मद बड़े खूबसूरत थे, जवान थे, 13-14 साल की उम्र थी, इतने हसीनो जमील थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया, फरमाया बेटा मोहम्मद तुम मुझसे बड़ा करना, मैं अल्लाह के दीन का वारिस हूँ, तुझे पढ़ाया करूँगा,
लेकिन एक मेरी भी शर्त है। उस्ताद जी हुक्म फरमाए, फरमाया बेटा जब भी तूने मेरी क्लास में आना है बेटा, एक साइड पे उस सतून के पीछे, उस दीवार के पीछे तुमने बैठा करना है, मेरी नजरों के सामने नहीं बैठा करना। इत्तिफाक ऐसे हुआ, एक साल गुजर गया, दो साल गुजरे, इमाम आजम अबू हनीफा किसी आम बंदे का नाम नहीं, इमाम मोहम्मद किसी आम बंदे का नाम नहीं, जब फिक्का के इमाम है। जब दो तीन साल गुजरे, इमाम आजम अबू हनीफा रात का वक्त है, एक जगह पे मुताला कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, क्या देखा एक साया जमीन पे पड़ता है, उस साये के अंदर कुछ दाढ़ी के बाल नजर आए। तो आपने पूछा बेटा मोहम्मद हो, नजरें ऊंची नहीं की। इमाम आजम अबू हनीफा बनना कोई आसान बात नहीं। आज दो टांगों वाला मुल्ला कहता है मुझे किसी इमाम की जरूरत नहीं, और तेरी इस्लाम को क्या जरूरत है? अगर तुझे इमाम की जरूरत नहीं तो इमाम को कौन सी तेरी जरूरत है? इमाम आजम अबू हनीफा का मुवाजना करते हो? इमाम आजम अबू हनीफा ने जब साये के अंदर चंद बाल नजर आए तो फरमाया बेटा ये मोहम्मद हो? जी हुजूर मैं हूँ। बेटा दाढ़ी आ गई है? कहा हुजूर एक साल हो चुका है, दाढ़ी निकल चुकी है। फरमाया आज के बाद तू मेरे सामने बैठकर अल्लाह का कुरान भी पढ़ लेना, मोहम्मद का फरमान भी पढ़ लेना, आज के बाद मेरे सामने बैठ जाया करना। जब तक तेरी दाढ़ी नहीं आई थी उस वक्त तक तुझे मैंने मना किया था, आज कौन सा पीर है जो कहे कि बेटी पर्दा करके बैठो, बेटी पर्दे के बगैर मेरे सामने नहीं आना। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये फैजान तुम्हें नजर आएगा तो गोलने के